नमस्कार दोस्तों, इनसाइड स्पोर्ट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हार्दिक पांडे की। ऐसा क्यों हो रहा है कि आजकल जब हम हार्दिक पांडे का जिक्र करते हैं तो हमें विनोद कांबली याद आ जाते हैं। कई लोग पांड्या को भारतीय क्रिकेट का अगला विनोद कांबली कहते हैं। आइए जानते हैं आखिर क्यों हार्दिक पांडे को अगला विनोद कांबली माना जा रहा है। विनोद कांबली वही है जो स्कूल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के साथ खेले और जम के। सचिन और कांबली के कोच रमाकांत आचरेकर कांबली को सचिन से भी बेहतर बल्लेबाज मानते थे। कांबली ने सचिन से बेहतर रिकॉर्ड के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत की और ऐसा लगा जैसे भारत को ऐसा क्रिकेटर मिल गया है जिसके आगे सब फीके पड़ने वाले हैं। 1993 में अपने तीसरे टेस्ट में वानखेड़े में इंग्लैंड के खिलाफ 224 का स्कोर हो या जिम्बाब्वे के खिलाफ अगले ही मैच में 200 का एक और बड़ा स्कोर हो, कांबली ने अगली सीरीज में 2 सेंचुरियां बनाई जिसमें 3 अलग-अलग देशों के खिलाफ वह 3 पारियों में लगातार 3 टेस्ट सेंचुरी लगाने वाले एकमात्र क्रिकेटर बन गए। इस शुरुआती कामयाबी ने कांबली को पैसा दिया, शोहरत दी, लेकिन लोअर मिडिल क्लास परिवार से आया यह क्रिकेटर इसे संभाल नहीं पाया। नतीजा यह रहा कि उनकी खबरें आने लगी, कभी मौज मस्ती की तो कभी अलग अलग लड़कियों के साथ घूमने की। वह शादी से पहले पिता बन गए। इसके साथ ही उनका गुस्सा तो जग जाहिर था, शॉर्ट बॉल खेलने की कमजोरी भी उनके करियर में जुड़ गया। वे क्रिकेटर से ज्यादा पार्टी ग्रोवर बन गए। आपने ठीक ही सोचा, इसके बाद तो डाउनफॉल आना ही था। 1995 में सिर्फ 24 साल की उम्र में टेस्ट टीम से बाहर हो गए। एक बेमिसाल टैलेंट इस चमक में कहीं खो गया। अब बात करते हैं हम हार्दिक पांड्या की। आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए बल्ले और गेंद के साथ लगातार बेहतर प्रदर्शन के साथ फटाफट टीम में आ गए। यह T20 का जमाना है और वे सुपर सिक्सेस और हसमुक्त व्यक्तित्व के साथ जल्द ही प्रशंसकों के पसंदीदा बन गए। 2016 में T20 इंटरनेशनल और वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू और धमाकेदार शुरुआत की। इसी से रेड बॉल टेस्ट में भी टीम के लिए खेलने का मौका मिला। पहले 4 मैचों में 50 के साथ 1 सेंचुरी और 7 विकेट भी लिए। लोग उन्हें अगला कपिल देव कहने लग गए। कई स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट किए, दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई वाले खिलाड़ियों में से एक बन गए। वे भी विनोद कांबली की तरह ही साधारण परिवार से आए थे और एकदम मिली शोहरत को संभाल नहीं पाए। इन सब का नतीजा रहा कि हार्दिक पांडे कहीं खो से गए। अगर दोनों में कंपेयर करा जाए तो वही तेज तरार व्यक्तित्व, वही पार्टी ग्रोवर रवैया और ऑन फील्ड दिखावा। कांबली की तरह ही शादी से पहले पिता बन गए। कॉफी विद करण के सेट पे केएल राहुल के साथ अनाप शनाप बोले, जिसे ना तो क्रिकेट चाहने वालों ने और ना ही क्रिकेट बोर्ड ने पसंद किया। उनपे कुछ मैचों का बैन भी लगा। पेज 3 सेलिब्रिटी बन गए हर फैशन पत्रिका की शान, जिसमें उनके हेयर स्टाइल, कीमती घड़ियां, चश्मे, कपड़े और जूते ज्यादा चर्चा में थे, क्रिकेट नहीं। आलीशान और महंगा घर लिया, एकदम एक खूबसूरत विदेशी मॉडल से शादी कर ली, उन पर रेप के भी आरोप। फैंस ये सब झेल भी लेते अगर क्रिकेट अच्छी चलती रहती। इस समय तीनों तरह की क्रिकेट से टीम इंडिया से बाहर है और हाल ही में खत्म हुए T20 विश्व कप में विराट कोहली के विश्वास को भी तोड़ा। वह फिट नहीं थे और फिट बता के खेले, टीम का संतुलन बिगाड़ दिया। वह गेंदबाजी नहीं कर सकते थे और बैटिंग में साफ नजर आ रहा था कि वह टच में नहीं है। इसके बाद मुंबई में कस्टम विभाग ने उनकी 2 कीमती घड़ियों को जब्त कर लिया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि उन घड़ियों की कीमत 5 करोड़ थी, जबकि पांड्या का दावा है कि उनकी कीमत 1.5 करोड़ थी और वह ड्यूटी देने के लिए तैयार थे। अगर उनके पास बिल होता, ईमानदारी से ड्यूटी अदा कर रहे होते तो यह मामला मसाला खबर ना बनता। आईपीएल का पैसा कब तक चलेगा, यह सवाल पांड्या को सोचना चाहिए। वहां भी रन नहीं बनाएंगे और विकेट नहीं मिलेंगे तो ऐसा नहीं है कि मुंबई इंडियंस के मालिक उन्हें यूं ही करोड़ों रुपए देते रहेंगे। पांड्या के पास अभी भी वक्त है, पेज 3 से क्रिकेट पेज पे आए
और अपनी क्रिकेट संभाल लें। इसी तरह वह दूसरा विनोद कांबली बनने से बच सकते हैं।